अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एपिसोड 15 भाई, पांडु बिकामा किंग ऑफ हस्तिनापुर। तो भाई धृतराज तो गया भाई, अब होगी पांडु की हुकूमत, कुमार पांडु की। और दूसरी बात यह कि भाई चैनल बना लिया है कि बरोज़ रिएक्शन, मतलब टू के अगर ये इसको कुछ होता है, स्ट्राइक आता है, तो भाई उस पर वीडियोस आएंगी, वो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि अगर इस पर स्ट्राइक आता है तो उस पर अम्मा बाद स्टार्ट कर लें। ज़रूर जाकर भाई एक बार उसको सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं होता। सभी पुत्र समान रूप से योग्य हो तब ज्येष्ठ का अधिकार होता है राजमाता। आर्य परिहार, मैंने कहा परिहार। बोलते हैं भाई, नजर नहीं आता जो इस समय मैं किसी से भी वार्तालाप की स्थिति में नहीं हूं। आज अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का अपना निर्णय योग्य प्रतीत होता है। जिस जगत में मेरे पति के साथ इतना अन्याय होता है, वो जगत देखने योग्य नहीं है। क्षमा कुमार, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि राज्याभिषेक पांडु का होगा। जानता था मैं वो तो अत्यधिक प्रसन्न हुआ होगा। क्यों? प्रसन्नता किसे होगी इस निर्णय से राजमाता? मेरा तो समग्र जीवन दुख से भर जाएगा। भाई से बहुत प्यार। ताजश्री, मैं तो ज्येष्ठ का सेवक हूं और सेवक के लिए भार ही आभूषण है। मैंने तो ज्येष्ठ की चरण सेवा के लिए व्रत लिया है जन्म से। मैं उनका पक्ष ले सकता हूं, उनका स्थान नहीं ले सकता। स्वयं भाव देकर शब्दों का लेप लगाने वाली राजनीति तब से गया जान ही नहीं पाया। ताक्षी ने कहा होगा कि अपने हृदय की पीड़ा, अपने हृदय की हताशा को अपने हृदय में गुप्त रखकर कर्तव्य का पालन करना हर राजपुत्र का धर्म होता है। और इस धर्म को तुम्हें अपने शीश पर उठाना ही होगा वत्स। व्यक्ति सिंहासन से बड़ा नहीं होता और प्रेम धर्म से बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। यदि किसी भी प्रकार के तप, व्रत, अनुष्ठान या औषध से हम धृतराष्ट्र को राजा बना सकते तो हम अवश्य उसकी प्रतीक्षा करते, किंतु स्थिति ऐसी नहीं है। धृतराष्ट्र के नेत्र उसे कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए समग्र कुरुराष्ट्र के हित में इस राज्य का भार तुम्हें अपने सर पर उठाना ही होगा वत्स। सबने बहुत आग्रह किया, तब कुमार पांडु ने भरी सभा में कहा था, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के वनवास के समय
भरत ने राजगद्दी का भार उठाया था, उसी प्रकार से मैं भी अपने सिर पर ये राज का भार उठाता हूँ। तो क्या आप तुम भी मेरी पादुका लेने आए हो सैनिक, जो पांडु अपने सिंहासन पर रखेगा और उसके चरणों में बैठेगा। कोई भी नाट्य करे क्या ना, भगवान श्री राम को भी 14 वर्षों का वनवास मिला था, किंतु यहां तो सभी लोगों ने मिलकर मुझे जीवन भर का वनवास दे दिया, जीवन भर का वनवास दे दिया। वो भरत नहीं है, किसी के लिए नहीं त्यागेगा वो अपना सिंहासन, ना मेरे लिए त्यागेगा ना मेरी संतानों के लिए। संतान गुरु का वंश अब पांडु से चलेगा, इस नेत्रहीन धृतराष्ट्र का अतीत अब अंधकार में होगा, अंधकार में होगा। इस अंधकार में मुझे सदा सदा के लिए बांध दिया उस पांडु ने, सदा सदा के लिए बांध दिया उस पांडु ने।
पुत्र शकुनी, पुत्र हमारे प्रस्थान का समय हो गया है। मैं भी यही विचार कर रहा था माता। उठो चांडाल, उठो प्रिय पिशाच, पिताश्री का आदेश है, चलना होगा, चलो चलो। अब गांधारी का मौत त्याग दो, चलो। क्षमा करें माताश्री, मेरे पास से चलने को तैयार ही नहीं। ये क्या उपहास कर रहे हो शकुनी? उपहास नहीं कर रहा हूं महाराज, परिहार। उपहास नहीं कर रहा हूं महाराज, मैंने इन दोनों को समझाया कि हमें गांधार लौटना होगा, किंतु ये दोनों लज्जा के मारे इनके पैर ही नहीं उठ रहे महाराज। अब काम स्टार्ट। हमारी पाठ नगरी का नाम पुरुषपुर है ना पिताश्री, किंतु आप और मैं, राजा और युवराज, अपने पुरुषोत्तम का ये अपमान लेकर गांधार लौटेंगे तो क्या कहेंगे वहां के नागरिकों? कैसे लौटेंगे भाई? पुरुषपुर का नाम अब नपुंसकपुर रखें, ऐसा कहते हैं ये दोनों दुष्पिताश्री, ऐसा कहते। हमारा अपमान किसने किया शकुनी? ये तो गांधारी का भाग्य था। भाग्य 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 यदि द्यूत की तरह विश्वास का पात्र नहीं है पिताश्री, तो मैं भाग्य का नहीं द्यूत का साथ लूंगा। तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे कि भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर मामला कोई सिचुएशन काफ़ी भाई ना और ही दिशा में भाई जा रही है, क्योंकि धृतराष्ट्र को भाई किंग नहीं बनाया गया, वो तो भाई बन गए हैं पांडु। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात मैं ये कर दूं कि भाई सबसे पहले जो किंग बनता है उसको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देखना तो है, जो मतलब उन्होंने अच्छी मिसाल दी थी विदुर ने कि वो अगर बाहर जाता है तो गरीबों का उसने दुख देखना है कि वो उसने जब बाहर कि वो कैसे हाल में भाई रह रहे हैं, ये चीज़ें देखनी है और वो हौसले वाला होना चाहिए भाई। धृतराष्ट्र का दुख भी काफ़ी हुआ है, लेकिन कुछ असूल भी अब ऐसे आ जाते हैं रियासतों में जिस जो कि असूल पहले होते हैं और जो आपके मतलब आप बनाना चाहते हैं उसको वो पीछे होता है, चाहे वो आपका एक सक्का पुत्र हो या जो भी हो, लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन आप सबसे पहले आपको रियासत देखनी होती है, फिर रसूल और फिर लोग देखने होते हैं। बिल्कुल भाई, सबसे पहले ये चीज़ें और उसके बाद ये है कि और उस उनको भाई भीष्म ने बोला भी है, भीष्मा ने, कि सबसे पहले आपको धर्म देखना है, धर्म रिलीजन नहीं। बिल्कुल सब ने आज कमेंट में बताया, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो फ़र्ज़ है कि जो एक आपके ऊपर जो किया गया उसको आपने पूरा करना है। ये चीज़ें हैं, यही चीज़ें इसमें भाई सिखाई गई हैं। बिल्कुल उसी तरीके जो है ना उसको निभाया भी है। बिल्कुल भाई, और वो दुख हमें भी बिल्कुल धृतराष्ट्र का जो है ना वो बहुत ज़्यादा भाई, और लेकिन जारी बात है उसके अंदर बहुत सारे अवाम जो है ना वो जमा हो रहे हैं कि वो खुश है वो खुश है, ये होते हैं, ये नेचुरली चीज़ें हैं। बिल्कुल भाई, जो बेहतर था वो जो है ना वो सही हुआ है। बिल्कुल भाई, और इस वक्त कंधारी भी काफ़ी ट्राई कर रही है उसको भाई समझाने की, और उससे हटकर भाई शकुनी का दुख काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं इसको क्या होता जा रहा है दिन ब दिन। चलो देखते हैं भाई वीडियो नेक्स्ट पार्ट में कि भाई अब शकुनी क्या स्टेप लेता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई पर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए अल्लाह।